Let's move to a discussion of the paper. We have two parts of this test discussion. First is the basics of economy, and second is the current affairs. Today, like mostly we'll discuss on the economy part. We'll focus on that. Economy mein sabse important hota hai concepts. ठीक है, इवन इफ करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा चीज नहीं पता है, डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तभी आपको करंट अफेयर्स भी समझ में आएगा. ठीक है, आरबीआई ने कोई रेपो रेट का रेट, पॉलिसी रेट कम किया, ज्यादा किया, यू नॉट नो इसका मतलब क्या है, वो आप याद ही नहीं होगा. कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हर चीज आप फोकस करिए कॉन्सेप्ट्स पे. इवन लास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे तो 50% ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप क्रैक कर सकते हैं. शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वेरी गुड. जो भी आप अभी करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 25 क्वेश्चन ऐसे लगे आपको आउट ऑफ 100 कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रिकॉल इट बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. व्हाट यू कैन डू इज A4 शीट, टेक अ ब्लैंक A4 शीट. ओके, नाउ जस्ट फोल्ड इट इनटू हाफ. ठीक है, तो टू कॉलम्स विल बी मेड ऑटोमेटिकली, फोल्डेड इनटू हाफ. नाउ व्हाटएवर टॉपिक्स और क्वेश्चंस यू आर राइटिंग, राइट क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट नोट्स. क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट्स. क्वेश्चन नंबर 3, यहां तक. क्वेश्चन नंबर 4, सो मे बी इन 2 or 3 A4 शीट्स पूरा टेस्ट को यू कैन इनकैप्सुलेट इन दैट होल A4 शीट. और इसमें लिखना कैसे, फॉर एग्जाम्पल सम स्पीसीज इज देयर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. Okay, just write very short points like which habitat it is found, what is the IUCN status, what is the nickname of it, which are the major issues, which are the national parks where it is found, the maps you can draw, जैसे Great Indian Bustard का western region of India. ठीक है, ऐसे बना के ऐसे कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हैं notes के form में. तो very short notes, micro notes कहते हैं उनको. शॉर्ट नोट्स अपन को बनाने हैं कि बस रिकॉल हो जाए. तो मूविंग अहेड, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी विल डिस्कस एंड करंट अफेयर्स कुछ चीजें हैं, सो विल डिस्कस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक आप सभी लोग, यू कैन ओपन योर क्वेश्चन पीडीएफ ऑल्सो, और इफ ऑफलाइन मोड वाले बच्चे हैं तो आप लोग अपना हार्ड कॉपी ओपन कर लीजिए. क्वेश्चन वॉज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोटेंशियल जीडीपी. इट इज अ वेल नोन टर्म. पोटेंशियल जीडीपी इज द हाईएस्ट लेवल एट विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, एंड इफ द जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, द सेंट्रल बैंक टेंड्स टू गो फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट सम की टर्म्स हियर, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. और इसमें अगर आप देखेंगे केवल लॉजिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं, यू शुड नो व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी. ठीक है, सो बेसिकली जीडीपी इज द हाईएस्ट लेवल एट विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस. सेकंड ऑप्शन इज एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी. दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. ठीक है, यूपीएससी हैज हैड अ ट्रेडिशन, इट जस्ट चेंजेस द टर्म एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि इसका क्या मतलब है. ठीक है, दोनों सेम चीज है. सिमिलरली चीप मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी, लिबरल मनी पॉलिसी, expansionary money policy, these all are interchangeable terms. So here the correct answer was B, and potential GDP is the highest level, so this is the correct answer. And simple thing is there ki potential GDP jo hota hai us agar inflation zyada ho jata hai, inflation ho jata hai to for example GDP kya hota hai, GDP is goods into price, whatever thing is being produced in the soil of India, that is the GDP. And if inflation is high, the value of price will increase. So potential GDP is not the highest level. Okay, it can be more or less. And if the GDP is less than potential GDP, the central bank tends to go expansionary monetary policy. ठीक है, तो इसका concept simple सा है. We have given you the explanation. You can use these terms wherever it is needed. Dear money policy and tight money policy. इसका मतलब ये है कि जो RBI है, आपका central bank है, ठीक है, it issues currency. ओके, सो कॉन्सेप्ट इज कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो आरबीआई हैज टू विड्रॉ द करेंसी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो इट हैज टू गो फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक पंपिंग मोर मनी इन द मार्केट. ओके, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें किसी में डाउट होगा तो प्लीज आप बता दीजिएगा. विल मूव वेरी फास्ट इन दिस. इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. सिंपल सी चीज है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो इसमें मान लीजिए टेक्निकल प्रोग्रेस में AI वगैरह आ जाता है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, एंड मे बी द GDP डिक्रीजेस, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ डजंट मीन कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर इसमें हमारा जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है वो नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं भी हो सकती है. सो दिस यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दिस. ठीक है, दीज थिंग्स यू कैन एलिमिनेट. कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज द की टर्म, कैपिटल फॉर्मेशन. इसके बहुत सारे यू कैन इंटरचेंज इट विद केपेक्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो यूपीएससी जस्ट इंटरचेंजेस दीज टर्म्स एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, द सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो वेरी सिंपल, दिस इज द कैपिटल फॉर्मेशन. इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो द आंसर इज सी. तो ये सिंपल सी चीज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने ये आपको पता होने चाहिए. जैसे टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उसमें सिंपल सा है, पब्लिक गुड होता है, सोशल गुड होता है, इकोनॉमिक गुड होता है, एंड कैपिटल गुड होता है. सो इकोनॉमिक गुड इज बेसिकली जनरेटेड फॉर प्रॉफिट मोटिव एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. पब्लिक गुड एंड सोशल गुड, दीज आर लाइक, सोशल गुड इज बेसिकली टेम्पल है,
जो पब्लिक पब्लिक के लिए अवेलेबल चीजें होती हैं, डजंट इट्स नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब्सिडीज एंड ऑल दैट आर गिवन टू द पीपल, पब्लिक एंड सोशल गुड. कैपिटल गुड्स मींस कि अगर आप किसी चीज, फॉर एग्जांपल इफ यू प्रोड्यूसिंग मशीन्स, ओके, सो मशीन्स विल प्रोड्यूस मोर इकोनॉमिक गुड्स, सो द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन टू प्रोड्यूस मोर इकोनॉमिक गुड्स, इट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलेंगी. You'll have a lot of things in the budget also, ki how the government is increasing the capital expenditure in the budget. So we'll discuss about that also. Simple questions, conceptual. If a car is purchased by a taxi operator, it will be regarded as final good, capital good, intermediate good, both A and B. अगर आप देखेंगे तो जो like people who don't apply their knowledge, they may treat it as a final good. Because the car is being consumed by the person. जो भी हमारा taxi operator है वो उसको use करेगा directly. That car doesn't get transformed into something else. ठीक है, तो उसको वो final good मान के टिक कर देगा. Capital good ये कैसे है? I think answer is both A and B. Capital good ये कैसे है? Because the same car can be used to produce goods and service, sorry, not goods, services. More services, टैक्सी सर्विसेज, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, सो इट विल बी बोथ ए एंड बी. आंसर इज डी. तो एक चाय की दुकान हर महीने 10 किलो चाय खरीदती है, इसे किस प्रकार लिया जाएगा? ओके, सो टी इज बीइंग परचेज्ड बाय द टी शॉप एंड हाउ वी कैन ट्रीट इट, फाइनल गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड बोथ ए एंड बी. सो बेसिकली द टी इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोसेस, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. वेरी इजी पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. आंसर इज सी. सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अपने मॉनेटरी पॉलिसी में अपन पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई इज इंडियाज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स. व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉरेक्स रिजर्व्स? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हेल्ड बाय द आरबीआई. ये सबको पता होगा, ये पार्ट हो गई ऑब्वियस है, इट इज वेरी ऑब्वियस. कैन यू टेल मी विच ऑफ द करेंसीज आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स? वी कॉल देम हार्ड करेंसीज. कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं जिनको हार्ड करेंसी कहते हैं, एंड दिस इज काउंटेड इन द फॉरेक्स रिजर्व्स. कैन यू टेल अस which of the currencies are being treated as dollar? Very good. US dollar is a part of hard currency. Euro is also there. Then yuan, recently yuan has been introduced. Yuan is also hard currency. Okay, Japanese yen is also hard currency. So one more, dollar pound. Yes, UK ka pound, sterling pound. So these five currencies are being part of hard currency, and this is part of forex reserves held by the RBI. Okay, this is the first thing. Second is financial derivatives having underlying foreign currency assets. So even like if RBI is purchasing some bond, kahin pe US dollar ya euro denominated bond agar lete hain, that is also part of forex reserves. Gold reserves, kuch gold bhi RBI maintain karta hai. Recently it has increased the quantity of gold that is being held. Ab padhiyega iske bare mein current affairs mein, why the RBI is increasing the gold reserves and reserve tranche of IMF. So IMF mein like we have also this special drawing rights. So this is a mechanism. Basically what happened was, ek time aisa tha jab hamare paas bahut sara demand tha currency ka, but the central banks did not print the currency. So this was an artificial a virtual currency being formulated by the IMF. Theek hai, to SDR, special drawing rights of the IMF. So you can use it, any country which is in need, emergency need, they can use the SDR and the reserve tranche. So all these are correct. The answer is D. Moving ahead, the national income of a country, India, is equal to which of the following? ठीक है, हिंदी में किसी देश, भारत, यहाँ भारत लिखा हुआ है, देख लीजिए आप. ठीक है, इंडिया के रेफरेंस से वी हैव टू आंसर दिस. जस्ट बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप यूपीएससी पेपर में देखेंगे, अगर उन बारीकियों को आप ऑब्जर्व कर लेंगे, सो 5 to 10 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक होने वाली है आपकी, उससे आप बच जाएंगे. प्लीज बी केयरफुल. राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं. जीएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इनकम गोइंग टू द हाउसहोल्ड सेक्टर. अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जस्ट सी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इन्हीं दोनों में से आंसर करेक्ट होना चाहिए, तभी यूपीएससी इट इज गिविंग वेरी क्लोज ऑप्शंस. तो डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर दीजिए दोनों को. अब इसमें क्या होगा, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट के बारे में आपको पता है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? प्लीज टेल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कोई प्रोडक्शन होता है उसमें बेसिक चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ठीक है, सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसके साथ साथ अपन को जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे गिव अस व्हाट? लैंड, रेंट मिलता है, लेबर को अपन वेजेस देते हैं, कैपिटल से क्या इंटरेस्ट इनकम होती है, एंड एंटरप्राइज से प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे इन टर्न लीड टू जनरेशन ऑफ दीज थिंग्स. इसी से पूरी इकोनॉमी चलती है. सो द क्वेश्चन वाज, व्हिच ऑफ दिस नेशनल इनकम जो किसके बराबर होती है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, वट एवर दीज थिंग्स आर बीइंग गिवन, ये जो चीजें जनरेट हो रही हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो दी जा रही है उसका जो सम होता है, the sum of that is called factor cost. इसमें taxes जुड़े नहीं होते हैं. There are two kinds of taxes, production tax, इसका question अभी आगे भी आएगा, production tax and product tax.
फैक्टर कॉस्ट में अगर आप प्रोडक्शन टैक्सेस जोड़ देते हैं एंड ऑल्सो द सब्सिडीज, मतलब सम ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस द सब्सिडीज, ओके, लीड टू द बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइस जो भी कोई, फॉर एग्जांपल चाय है, चाय में ये चार चीजें जो लगती हैं उसमें जो पैसा लगता है उससे जो आएगा उस फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, उसमें जब प्रोडक्शन टैक्स लग जाएगा तो बेसिक प्राइसेस पे आ जाएगा, प्रोडक्ट टैक्स जब लग जाएगा तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइस। वॉट इज प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? प्रोडक्शन टैक्स मीन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो वन टाइम टैक्स देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी यू हैव टू गिव ओनली वंस, दैट इज अ प्रोडक्शन टैक्स। और जो मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है बेस्ड ऑन द आउटपुट, कितनी बार आपका कितना प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, 100 किलोज ऑफ टी, 1000 किलोज ऑफ टी, 100,000 किलोज ऑफ टी, सो इट इज फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, इट इज अ प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी बेसिक, यू शुड नो दीज कॉन्सेप्ट्स। सो क्वेश्चन वॉज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, में हमें देखना है तो रिसेंटली 2015 के बाद से वी हैव बीन टेकिंग द मार्केट प्राइस, ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, यू शुड नो दिस, इट इज द मार्केट प्राइस, आंसर इज बी, आंसर इज बी। नाउ द थिंग इज, लेट मी रेज दिस, सो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, और इसका बहुत ही सिंपल एक फ्लो चार्ट है, आई जस्ट मेक दैट फ्लो चार्ट। देखिए जीडीपी बहुत सिंपल चीज़ है, इंडिया के सॉइल पे कुछ ही प्रोड्यूस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम, प्राइस एंड क्वांटिटी, वट एवर थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द इंडियन सॉइल, इट विल बी पार्ट ऑफ जीडीपी, वेदर द फॉरेन पर्सन इज प्रोड्यूसिंग और अ नेशनल पर्सन इज प्रोड्यूसिंग, भारत के वासी या विदेशी लोग भारत की धरती पर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको जीडीपी कहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। एंड जीडीपी इज करेंटली द लाइक पैरामीटर दैट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ अक्रॉस द नेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड जीडीपी। जीएनपी, अब डी से एन आ गया, सो जीडीपी से जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दिस नेशनल मीन्स लाइक इफ यू जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल द फैक्टर ऑफ इनकम, जो भी बात हुई थी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है इंडिया में और बाहर हमारे बहुत सारे हमारी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल ONGC विदेश इज देयर, ONGC विदेश इज हैविंग ऑयल वेल्स इन फॉरेन कंट्रीज लाइक वियतनाम, वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट इज बेसिकली इंडियन कंपनी अर्निंग इन अ फॉरेन कंट्री, वेल देर आर वेरियस कंपनीज हु आर कमिंग टू इंडिया एंड गेटिंग इनकम फ्रॉम इंडियाज फ्रॉम इंडियन सॉइल, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी इज देयर, पेप्सिको, इट इज सेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, गेटिंग द प्रॉफिट एंड सेंडिंग इट टू द पेरेंट कंपनी इन US, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो डिफरेंस होता है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिफरेंस आता है उसका, उसको जब अपन जीडीपी में ऐड करते हैं, सो दैट गिव्स जीएनपी। एन का मतलब क्या हुआ, भारत के जो वास्तविक नागरिक हैं, भारत के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, भारत के जो नागरिक, उनको कितना इनकम हो रही है उनकी, सो दैट इज नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो कैन एनीवन टेल मी जीडीपी और जीएनपी में कौन सा बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कैन यू टेल मी जीएनपी इज हायर और जीडीपी इज हायर, एनीवन, समवन इज सेइंग जीडीपी, समवन इज सेइंग जीएनपी, ओके ओके। सो आई थिंक एक बार आप पढ़िएगा, जीएनपी इज हायर फॉर इंडिया, ओके, इंडिया इज अर्निंग मोर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बिकॉज ऑफ रेमिटेंस एंड ऑल, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। सो जीएनपी इज हायर। नाउ एन, वॉट इज एन, नेट, नेट का सिंबल से मतलब है डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ शर्ट दैट इज कॉस्टिंग 100 रुपीज नाउ, After 1 year, the cost will become 90 rupees. After another year, it will be 80 rupees. So depreciation keeps on happening. तो वो जो depreciation होता है उसको अपन कर देंगे तो NDP आ जाएगा. GDP में करेंगे तो NDP आ जाएगा. GNP में करेंगे तो NNP आ जाएगा. Simple. ठीक है, तो this is very simple. Net जहाँ पे लिखा है, that means depreciation. और बीच में अगर N लिखा हुआ है, gross national product, तो national means Indian nationals. ओके, सो मूविंग अहेड, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, शुड नॉट बी क्रिएट कन्फ्यूजन इन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, हिज रेम्यूनरेशन विल बी काउंटेड इन,
तो वेरी सिंपल थिंग, अगेन आई हैव टोल्ड यू, इंडियन सॉयल में कुछ भी प्रोड्यूस होगा तो वो जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है, एंड इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन सॉयल, दिस यू मस्ट हैव रेड। पाकिस्तान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो उसको पाकिस्तान अपना टेरिटरी मानेगा, इंडिया का वहाँ पे है तो उसको सोवरेंटी उसकी इंडिया की वहाँ पे, नॉट सोवरेंटी बट इट विल पार्ट ऑफ जीडीपी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियन सॉइल, ठीक है, सो इट विल बी आंसर ए आई थिंक, ओके जीडीपी ऑफ इंडिया, सॉरी जीडीपी ऑफ इंडिया, इट विल पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, आंसर इज बी, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए गए थे आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, ओके, एंड इन्हें इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया सकता, कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड दे आर नॉट यूज्ड एज इनपुट। पहला स्टेटमेंट तुरंत गलत दिख रहा है बिकॉज कैपिटल गुड्स, बहुत सारे कैपिटल गुड्स को अपन इनपुट की तरह यूज करते हैं, जैसे कोई मशीन है, मशीन इज अ कैपिटल गुड दैट इज यूज टू प्रोड्यूस मेनी अदर गुड्स, सो इट विल बी यूज्ड एज अ इनपुट, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स, तो ये जनरल स्टेटमेंट एक दे दिया है इन्होंने, एंड इट इज लाइक एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाएगा दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ये इन्होंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया है विच मे नॉट बी करेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर विल बी डी, आंसर इज डी। एनी कन्फ्यूजन प्लीज लेट मी नो, विल मूव वेरी फास्ट आफ्टर दिस। इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी, लाइक वी सर्कुलेटेड अ फॉर्म ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, मेनी ऑफ यू हैव शोन कन्फ्यूजन, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मार्जिनल, जहाँ पे टर्म यूज आता है मार्जिनल, सो मार्जिनल का मतलब ये होता है कि इफ यू इंक्रीज समथिंग द अदर फैक्टर विल इंक्रीज, इफ यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय वन रुपीज, इफ यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय वन रुपीज विल द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज बाय वन यूनिट और मे बी सेवन यूनिट्स और टेन यूनिट्स, वट एवर पुटिंग इंक्रीजिंग द फैक्टर्स, इफ यू इंक्रीज द फैक्टर द अदर थिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी पॉजिटिव। इफ यू इंक्रीज दिस एंड दिस डजेंट इंक्रीज, लाइक अगर आपने 1,00,000 करोड़ रुपये भी डाल दिया यहाँ पे, देन ऑल्सो दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, सो इट विल बी जीरो। नेगेटिव कब होगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग द पंपिंग द मनी एंड द आउटपुट इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज नेगेटिव। एंड इफ इट इज द रेशियो सेम, लाइक वन रुपीज इक्वल टू वन यूनिट, सो इट विल बी वन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का यही मतलब होता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई थिंक सोल्यूशन आपको दिए गए थे, लॉट ऑफ क्लैरिटी यू मस्ट हैव गॉट फ्रॉम देयर ऑल्सो। फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल विल बी, और फुल कैपेसिटी पे चल रही है फैक्ट्री, यानी कि अगर उसमें 100 टन माल बन रहा है, उसकी कैपेसिटी 100 टन की है और 100 टन माल बन रहा है उसमें, अगर हम उसमें और कैपिटल डालते हैं, कैपिटल मतलब क्या हुआ, कीपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैसे करेंगे, मशीन्स लगा के, अगर अपन और मशीन लगाएंगे प्रोडक्शन और बढ़ेगा ऑब्वियसली, अभी वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है, अगर अपन और कैपिटल डालते हैं तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर फुल कैपेसिटी पे नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर 100 टन माल बनता है, इफ 100 टन ऑफ प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री, अगर वो घट के किसी भी कारण से लेबर अनरेस्ट हो गया, 50 टन ही बन रहा है, अगर माल 50 टन ही बन रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हमने और मशीन्स लगा दी, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, पहले तो ये अपना जो पुरानी कैपेसिटी थी उस तक जाएगा 100 टन तक, उसके बाद प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा, ओके, सो इन दैट केस इट विल बी लाइक जीरो। तो अभी जो सिनेरियो है इट विल बी पॉजिटिव, ओके, वेरी सिंपल। मूविंग हेड, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू फॉर हाई सेविंग्स रेट इन द इकोनॉमी, सो नाउ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट विल बी कमिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की टर्म्स दैट इज इन द इकोनॉमिक सर्वे। हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे यू विल सी कि अपना सेविंग्स रेट कितना है, अपना इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, और एक ICOR टर्म होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। सेविंग्स में वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है, कॉरपोरेट्स कितना सेव कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज, ठीक है, गवर्नमेंट कितना सेव कर रही है, दीज थ्री आर द मेन कॉम्पोनेंट्स, एंड इनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड सेविंग्स ऑफ द कंट्री। टूडे जस्ट गो होम एंड आइडेंटिफाई, सर्च फ्रॉम द इंटरनेट, वॉट इज द सेविंग्स रेट ऑफ इंडिया, वॉट परसेंटेज सेविंग्स रेट डू वी हैव इन इंडिया, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज डन बाय हाउस होल्ड, अगेन बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंडस्ट्रीज। जनरली स्पीकिंग
सेविंग्स जितनी होती हैं और इन्वेस्टमेंट जितना होता है उसमें एक रिलेशन होता है, इज इट हाई और लेस, जितना सेविंग्स होता है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कम होता है। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स, सेविंग्स होती हैं और जो इन्वेस्टमेंट होता है क्या रिलेशन होता है, मोर लेस इनवर्स, ज़्यादा लेस, ओके। सो इट इज़ ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, मोस्टली इट इज़ मोर। सो जनरली सेविंग्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वाई, बिकॉज लोन्स वगैरह लेके गवर्नमेंट जैसे होता है, मतलब इट बोरोज फ्रॉम मार्केट्स, फॉरन मार्केट्स और इंडियाज मार्केट, तो जनरली इन्वेस्टमेंट इज मोर। आपके पास 10 रुपये हैं, यू हैव 10 रुपीज इन योर होम, यू विल इन्वेस्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग। तो अगर आपके सेविंग्स हैं तो आप क्या करोगे, उसे इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, और फिर आप कहीं से लोन भी ले सकते हैं एट चीपर रेट्स। 2 रुपये आपने लोन ले लिया, टोटल आपने 12 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मोर इन जनरल, ओके, बट यू शुड हैव द कैपेसिटी टू बोरो। आप कैपेसिटी है नहीं कोई, आप पूरे कंट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल सोमालिया, सोमालिया इज अ पुअर कंट्री, इट वॉन्ट हैव द कैपेसिटी टू बोरो, ठीक है, तो उनका नहीं होगा। तो फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया इन्वेस्टमेंट इज मोर, एंड देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट से जीडीपी आती है अपनी। दिस टर्म इज देयर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि इसमें आप पढ़िएगा, इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, लाइक हाउ मच आउटपुट विल यू गेट आफ्टर इन्वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल वन रुपीज, हाउ मच इंक्रीमेंटल आउटपुट यू कैन गेट। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, विल नॉट गो इन डिटेल, मूविंग अहेड। सो ये क्वेश्चन था, अगर आपका सेविंग्स हाई होता है तो वॉट विल हैपन, हायर इन्वेस्टमेंट, दैट इज परफेक्टली ट्रू, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हायर कंजम्पशन होगा। सो आप अगर 1 किलो, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग 1 किलो फूड, ठीक है, यू हैव गॉट 100 रुपीज, यू ईट 1 किलो फूड, नाउ यू गेट 1 लाख रुपीज, तो फूड इनटेक तो एक 1 kg रहेगा ना आपका, फूड इनटेक विल बी सेम, ठीक है। सो हायर कंजम्पशन इट वॉन्ट हैपन, इट विल लीड टू इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट्स और हायर एक्सपोर्ट्स, जो इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, एंड यू कैन नॉट कंज्यूम दैट, आप एक किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो व्हाट विल डू, एक्सपोर्ट इट समवेयर, तो 1 and 3 विल बी करेक्ट। सो दिस इज द आंसर बी, ओके, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, आंसर इज बी, वेरी इजी, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देगा, उसके आपको पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करके देखेगा एग्जाम में कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। सो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट्स। दिस अ वेरी बेसिक थिंग, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पेई, ट्रस्ट के बेसिस पे जो होता है, फॉर एग्जाम्पल चेक, अगर आपको चेक बुक देते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, ओके, सो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, उसको सामने वाला रिजेक्ट भी कर सकता है, दे डोंट वॉन्ट द मनी थ्रू चेक, सो दिस इज फिड्यूशरी मनी, इट इज़ अ सिंपल टर्म ऑफ इकोनॉमी। वॉट इज फिएट मनी, फिएट मनी इज बेसिकली अ लीगल टेंडर विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपीज, US डॉलर्स, जो भी करेंसी होती है, दैट इज लीगल, लीगली बैक्ड बाय द कंट्री, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय सम रिजर्व्स, जैसे गोल्ड रिजर्व से बैकिंग नहीं होती है, पहले होता था, जितना गोल्ड होगा उसी प्रोपोर्शन में आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, बट वो सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है, इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, US ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट कर रहा है विदाउट एनी बैकिंग ऑफ गोल्ड, दे जस्ट हैव द गारंटी, द गवर्नमेंट गारंटीज, उनकी GDP अच्छी है, उनके पास स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो दैट इटसेल्फ इज अ गारंटी कि गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी उसको, ठीक है, सिंपल है। देन फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, ये जनरल टर्म्स आप देख लीजिएगा बाद में, करेक्ट आंसर इज, आई थिंक गलत लिखा है यहाँ पर, डी आंसर होना चाहिए, इंडियन कॉइन्स आर इशूड बाय, दिस इज वेरी सिंपल फैक्चुअल थिंग, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, सो जस्ट सी दिस 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, हेयर वी हैव, ये कौन है, किसका डिजिग्नेशन लिखा हुआ है, कैन एनीवन टेल, ऑन 1 रुपी नोट अगर आप देखेंगे तो किसका डिजिग्नेशन लिखा रहता है, द नेम इज मनमोहन सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी, वेरी गुड, आपको पता है, इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, वेरी गुड। सो जो हमारे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, दिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द RBI, ठीक है, और बाकी जो करेंसी होती है वो RBI सारा टेक केयर करता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बैंकिंग में अपने RBI आती है, RBI क्या करता है,
जैसे रेट्स होते हैं, अपन पढ़ते हैं SLR पढ़ते हैं, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो, CRR, बैंक रेट, क्रेडिट क्यूरेशन, दीज आर पार्ट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दीज आर पार्ट ऑफ, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वेरी सिंपल। मूविंग अहेड, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग, आई थिंक सर इज ऑल्सो टीचिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ GDP कैलकुलेशन, ठीक है। सो अभी हमने बात किया था आपसे, पहले क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज, तो ये आता है बेसिक प्राइसेस, ठीक है। और उसमें जब अपन ऐड करते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, दिस कम्स एज मार्केट प्राइस, वेरी सिंपल। प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड इन GDP कैलकुलेशन, इज करेक्ट। नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू द नेट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन, ये जो सेकेंड ऑप्शन है, देख गलत दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स को यूज करके आप नेट फैक्टर इनकम नहीं ले सकते, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फ्यू अवे द डेफिनेशन, सो आंसर विल बी ए, आंसर इज ए। एनी वन, एनी डाउट्स? ठीक है, मूविंग अहेड, प्रॉफिट्स ऑफ इंटरनेशनल फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया विल बी काउंटेड इन, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनी है कोई और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी किसी भी देश का पर्सन, अगर वो इंडिया के सॉइल पे प्रोडक्शन कर रहा है, सो इट विल पार्ट ऑफ GDP, ठीक है ना, इंडिया की GDP का पार्ट होगा वो, इट शुड बी ऑन इंडिया सॉइल, सिंपल थिंग। तो आंसर इज ए। 17th क्वेश्चन, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज विल लीड टू, इसका आंसर आई थिंक गलत दिया हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, रुपए का अवमूल्यन, इससे क्या होगा, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए। इफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज टेक्स प्लेस, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी कि डिक्रीज होगा, नहीं होगी वृद्धि, ये गलत दिया हुआ है। रुपए अगर कमजोर होता है, फॉरेन पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी विल नॉट बी स्टेबल। राइज इन द इंटरेस्ट रेट, राइज नहीं होगा, डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा बिकॉज फ्लो ऑफ मनी विल इंक्रीज, तो राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं, डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, दिस इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब रुपए का वैल्यू कम होता है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं दे बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वन टी शर्ट इज देयर, एक कोई टी शर्ट है, वो 100 रुपीज की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, 100 रुपीज की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो होगा मे बी $1 के बराबर है, $1, ठीक है। यू आर अर्निंग $1 बाय एक्सपोर्टिंग 1 टी शर्ट। अब नाउ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज विल हैपन, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज से क्या होगा, इस सेम टी शर्ट को आप 200 रुपीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेम टी शर्ट को 200 रुपीज में, एंड दैट विल बी, इफ यू कंपेयर इट विद सम अदर करेंसी, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश इज अ कॉम्पिटिटर, बांग्लादेश, वियतनाम इज अ कॉम्पिटिटर इन द टेक्सटाइल सेक्टर विद इंडिया, ओके। बांग्लादेश एंड वियतनाम अगर उससे आप कंपेयर करें, इनकी करेंसी स्ट्रांग है, इंडिया करेंसी वीक हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट्स होगा दैट विल बी चीपर, आवर एक्सपोर्ट्स विल बी चीपर, बांग्लादेश का महंगा होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, सिंपल। आंसर इज सी, इसका आंसर गलत दिया हुआ था, प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा सॉल्यूशंस में। इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ रहा है यानी कि इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन। अब इसमें सेम चीज देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, मतलब उन्होंने एक तरह से विलोम दे दिया है, एंटोनिम ऑफ दिस, इसका अपोजिट ही है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो इफ द ट्रेड डेफिसिट हैपेंस व्हाट विल हैपन, डेप्रिसिएशन होगा एप्रिसिएशन होगा बताइए। इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन इज वी हैव टू स्पेंड मोर डॉलर्स, फॉर एग्जांपल ऑयल इंपोर्ट होता है, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है मोस्टली, जो अपन इंपोर्ट करते हैं वी हैव टू बाय इन डॉलर्स, स्पेंड डॉलर्स, तो डिमांड ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, तो वैल्यू ऑफ डॉलर विल इंक्रीज,
ठीक है, और वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा तो रुपए का वैल्यू डिक्रीज होगा, सिंपल आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसका देख लीजिएगा, बहुत सिंपल आंसर है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अचीविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज द प्राइमरी। और ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया एस्पायर्स टू हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यूएस वगैरह में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का एस्पिरेशन नहीं होता, वहां पे मे बी अनएम्प्लॉयमेंट मे बी द मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, उनका जैसे आप ग्रोथ रेट देखें, यूरोपियन कंट्रीज का 1-2% के आसपास होता है, इंडिया का 6-7% होता है। सो हेयर वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो जस्ट की वर्ड्स को ध्यान रखना है अपन को। बी, विच द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो यू विल कीप ऑन रीडिंग अबाउट दीज टर्म्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर देयर, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। जैसे बजट है अपना, उसमें प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो कैटेगरी ऑलरेडी खत्म कर दी गई है। ठीक है, द न्यू कैटेगराइजेशन इज जस्ट रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल इसमें आप देखेंगे, कॉम्पोनेंट्स कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होता है, रन करने के लिए चाहिए रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर दैट इज डन फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी आइटम्स है, मशीनरी आइटम्स और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, इकोनॉमिक गुड्स को। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैश मैनेजमेंट बिल्स, दीज आर बेसिकली रिसीप्ट्स, जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, कैश मैनेजमेंट बिल्स से बोरोइंग करती है, दीज आर रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड दिस इज रिसीप्ट। ओके, रिसीप्ट कैन बी रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स बनाया तो पोर्ट्स और गुड्स प्रोड्यूस होंगे एंड सर्विसेज। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स में क्या आता है, एनीवन, स्मॉल सेविंग्स, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत सारे किसान विकास पत्र, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, दे जनरली ऑफर मोर इंटरेस्ट रेट्स। जैसे आपको बैंक में अगर 60% ब्याज मिलता है, 7%, जो आपको स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें आपको और ब्याज देते हैं, जैसे किसान विकास पत्र हो गया। ओके, सो पीपल जनरली इन्वेस्ट इन दिस, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो होती हैं, दीज आर बेसिकली यूज टू बोरो मनी, दिस इज बोरो मनी, दिस इज बोरो मनी, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर, लाइक जैसे रट्टाफिकेशन अगर नहीं भी किया है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पता है तो यू कैन वेरी इजली आंसर दीज। ओके, देयर इज ए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, व्हाट डज द काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी मीन्स। बहुत सिंपल है, अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका एक साइनोसॉइडल कर्व बनता है। ठीक है, व्हेन ग्रोथ इज हाई, ओके, व्हेन ग्रोथ इज हाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका एक, फॉर एग्जाम्पल M1 इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन ग्रोथ इज लो, सो M2 इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन ग्रोथ इज लो, गवर्नमेंट नीड टू पंप मोर मनी, RBI नीड्स टू पंप मोर मनी। ठीक है, और जब ग्रोथ हाई होती है तो RBI एक्सट्रैक्ट्स मनी। सो हेयर वी हैव लिबरल मनी पॉलिसी, हेयर वी हैव टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, तो सिंपल सा ये आंसर है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। ठीक है, आंसर इज ये। व्हाट इज रिसेशन, एनीवन, व्हाट इज रिसेशन, टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिसेशन, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट इज रिसेशन, आप लोग जहां से क्लास कर रहे हैं इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इज अ वेरी फेमस टीचर, यू डोंट नो दिस। नेगेटिव ग्रोथ फॉर टू क्वार्टर्स, वेरी गुड, टू क्वार्टर्स में लगातार, फॉर एग्जाम्पल Q1 एंड Q2 लगातार अपनी ग्रोथ जो है नेगेटिव में आ गई, -2%, -2.3%, फॉर 6 months कंटिन्यूसली वी हैव नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, सो दिस इज रिसेशन। ठीक है, डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, एनीवन, टू कंटिन्यूअस रिसेशन पीरियड्स इज टेक्निकली कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है,
दिस टेक्निकल टर्म, Q1 Q2 में अगर दो लगातार क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ है, रिसेशन हो जाता है, और दो बार रिसेशन होता है डिप्रेशन में. सो वी हैव 1929 ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये उस टाइम पे हुआ था, अभी उसके बाद नहीं हुआ है. मूविंग अहेड वेरी फास्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग, या पढ़ लीजिएगा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है. गवर्नमेंट यूज अप्रोच इन अगस्त 2005, तो दिस इनकरेक्ट. अभी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू दिस, अभी वी हैवंट स्टार्टेड दिस. जीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नरेगा में इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, ठीक है, तो नेक्स्ट जब हमारा साइकिल होगा तो देन वील स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो. हम लोग इसको 100 से 120 नहीं करेंगे, नॉट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है. सो दिस जीरो बेस्ड बजटिंग आंसर इज ये. देन इट्स द फॉलोइंग टैक्सेस, ये सिंपल टैक्स वाला क्वेश्चन है. तो इसमें आपको पता होगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दोनों देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हाई स्पीड डीजल, बोथ अ पार्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दोनों आंसर हो जाएंगे. एंड सर्विस टैक्स नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ GST, ठीक है, GST वाला क्वेश्चन है. ध्यान दीजिए इसमें नॉट है, नॉट नहीं, तो ये की टर्म्स आपको याद ध्यान देना है. इफ यू डोंट पे अटेंशन आंसर्स विल बी इनकरेक्ट, ठीक है. द नॉट, सो दीज थ्री थिंग्स आर नॉट, आंसर विल बी सी, ठीक है, आंसर सी है. सर 3 बजे से इकोनॉमिक क्लास है, सर इज वेटिंग, विल हैव द इकोनॉमिक क्लास वेरी सून, सर इज वेटिंग फॉर स्टूडियो, विल टेक द क्लास फ्रॉम स्टूडियो ओनली. सो GST का क्वेश्चन है, इट इज स्टैचुटरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सबको पता है, और ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है, ये वाला फैक्चुअल चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है. ये अमेंडमेंट एक्ट देखिएगा, 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. वो इज अ चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन, देख लीजिएगा आर्टिकल. ये वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट सी फ्रॉम द सॉल्यूशंस, ओके. दीज थ्री टैक्सेस, वेल्थ टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है. सो बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस. बेसिकली इट इज अप्लाइड टू द सेम पर्सन, जिस पर्सन पे अप्लाई हो रहा है उसी को पे करना पड़ेगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. जिसका बर्डन किसी और पे चला जाता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. सो दीज थ्री आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. दिस इज, देखिए मैंने बताया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग का. तो इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है करंट अफेयर्स में, वी हैव टू गो थ्रू दैट. अभी रिसेंटली बैंक अकाउंट, ठीक है, एक बैंक अकाउंट ऐड हुआ था और एक और कंपोनेंट ऐड हुआ है, वो आप देखिएगा. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. एनी सेक्टर स्लो ग्रोथ, रिसेशन, एनी स्लो डिप्रेशन, इज इट राइट कंडीशन? नो. रिसेशन एंड डिप्रेशन बोथ आर टेक्निकल टर्म्स. इकोनॉमी में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसकी अलग डेफिनेशन होती है. जनरल पार मतलब लैंग्वेज में लोग कह देते हैं कि रिसेशन हो गया, बट इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट, ठीक है. सो जस्ट स्टे फॉलो द स्टैंड डेफिनेशन. तो देखिए करंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये करंट से लिया गया है. तो करंट न्यूज में जो चल रही चीज़ें, अब जैसे पहले आपने पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होगा, तेंदुलकर कमेटी की बात की होगी, रंगराजन कमेटी की बात की होगी, बट जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत पुरानी चीज़ हो गई है. अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात होती है. अब देखिएगा मेंस में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, लास्ट ईयर देखिएगा पेपर, मेंस पे से क्वेश्चन आया सीधा, ठीक है. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स, ठीक है. ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा. वी आर मूविंग फास्ट. शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब को स्टेटस देने के लिए कौन देता है? सो इट इज़ द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ठीक है, आर्टिकल 342. अभी मणिपुर में देखा होगा आपने, मीतीस को देने वाले थे तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई. मालदीव्स, ठीक है, मालदीव एंड लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. जो भी अपन के इंडिया के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं, जो अपने आइलैंड्स हैं, उस पर क्या क्या चैनल्स हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखना होता है, ठीक है. तो 6 डिग्री चैनल इज द आंसर, ठीक है. मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स, सॉरी 8 डिग्री चैनल होगा. इस 8 डिग्री चैनल बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है. 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में. वेयर इज द 6 डिग्री चैनल? कैन एवन टेल 6 डिग्री चैनल किस कंट्रीज के बीच में है? एनी वन? ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, इट इज़ वेरी सिंपल, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है उसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच में. दिस अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें बस मुझे बताना था, इवन इफ यू डोंट नो दिस कॉम्प्लेक्स टर्म्स, जनरली दे आर करेक्ट,
जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं जिन्हें करेक्ट होते हैं, तो उसको आप यू कैन जस्ट इंटेलिजेंट गैस यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल, मूविंग हेड, एंटी डिफेक्शन लॉ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, तो राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, दिस गलत हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है, सुओ मोटो एक्शन, एंटी डिफेक्शन का जो मतलब उसमें डिसीजन आता है वो सुओ मोटो एक्शन से आता है, दिस इज रॉन्ग। छोटी चीज़ रॉन्ग हो जाती है आपके यूपीएससी क्वेश्चन में। फाइनल कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, ओनली थ्री। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट टू क्वेश्चन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेल अडेप्टेड टू एवरग्रीन हैबिटेट, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, एवरग्रीन इज द रॉन्ग थिंग, वी हैव ग्रासलैंड हैबिटेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है, तो ये बात हो रही है फॉर देयर इकोसिस्टम्स, ये रेफरिंग टू देयर ओन इकोसिस्टम्स, तो यहाँ पे एवरग्रीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंडेंजर्ड स्टेटस, अब ये देख लीजिए, अभी गलत है, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो स्पीसीज आपकी न्यूज़ में है उसको आपको निरंतर रिवाइज करना है। आई टेल यू द अप्रोच, इज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देख लीजिए आप। ओके, IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। व्हाट इज अ निक नेम, जो राजस्थान में लोग होंगे दे मस्ट बी अवेयर, गोदावन, गोदावन इज अ निक नेम। ओके, एंड करंट हैपनिंग्स इन द न्यूज, जैसे रिसेंटली वी हैड सीन दैट जो पावर लाइन्स होती हैं उसमें क्रैश हो जाते हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, इट फ्लाइज एंड क्रैशेज देयर, सो लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी हैज बीन इन दैट फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंट, कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू हिलॉक गिबन्स। ओके, इट इज द ओनली एप स्पीसीज फ्रॉम फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। हेयर वी हैव अ स्मॉल थिंग, ये जो हिंदी ट्रांसलेशन होते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन इसको एकमात्र एप कपी, इसको हो सकता है ये बंदर लिख दे, बंदर, तो आप कंफ्यूज सकते हैं, तो इंग्लिश वाला वर्जन हमेशा रेफर करिए, ठीक है। इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, दिस इज इनकरेक्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपका पूरा है, ठीक है। इट इज लिस्टेड एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। आंसर इज बी। विद दिस वी हैव एंडेड दिस सेशन। सभी लोग जो ज्वाइन किए हैं, जस्ट आई वॉन्टेड टू से कि अपन प्रिलिम्स के लिए स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं आई वुड जस्ट रिकमेंड देम कि पूरा अपना जो माइंडसेट है प्रिलिम्स के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। PYQ सॉल्व करिए, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसको PYQ सारे सॉल्व कर लीजिए लास्ट 10 ईयर्स के, एंड देन यूज़ इंटेलिजेंट गेस, इवन इफ यू हैव एलिमिनेट टू ऑप्शंस, यूज़ इंटेलिजेंट गेस, प्रैक्टिस इट राइट फ्रॉम टुडे। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर दीजिए, तब भी आप रिस्क लीजिए। अभी आप रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे रिस्क? एग्जाम टाइम में रिस्क नहीं ले पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। स्टार्ट टेकिंग रिस्क इज द फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द PYQs जो UPSC ने पूछे हैं। तीसरा है कि टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे कर रहे हैं कहीं और कर रहे हैं, यू कैन हैव टू टेस्ट सीरीज, वन इज संभम इज ऑल्सो गिविंग, अनदर यू कैन हैव अनदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट प्रीलिम्स का आपका पूरा कोर्स होगा, रैपिड रिविजन होगा और आपकी टेस्ट सीरीज पूरी चलेगी।